अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ धनी बख्श और आज हम सीखने जा रहे हैं इंसर्ट। पहले हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, होम को कंप्लीट किया था, होम टैब को, और आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट को। इंसर्ट में आज हम इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि हमने होम में स्टडी किए थे, और इसमें पहला जो ग्रुप है वो है पेजेस। पेजेस में हमारा पहला पहला जो टूल है, ऑप्शन है, वो हमारा है कवर पेज। कवर पेज हम यूज़ करते हैं अपने बुक्स में, जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास कॉपीज होती हैं, बुक्स होते हैं, नोट्स होते हैं, उसके ऊपर जो होता है वो कवर पेज होता है, जिसमें क्या होता है, उसका बुक का नेम होता है, उसका सब टाइटल होता है। तो अगर हम नावल की बात करें, नावल में क्या होता है, फ्रंट पेज होता है जिसको हम कवर पेज बोलते हैं। उसमें क्या होता है, किसने बुक लिखा है, उसका टाइटल क्या है, और उसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। तो ये सब हमारा होता है कवर पेजेस में। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ कवर पेजेस जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं मेरे पास। ये देखें, यहाँ पे बहुत सारे कवर पेजेस हैं, ये डिफ़ॉल्ट होते हैं हर एक एमएस ऑफिस में, 7 में, 10 में, 13 में और 16 में। ये कुछ बिल्ट इन एमएस ऑफिस के टेम्पलेट होते हैं वो कवर पेजेस के, जो भी आपको यहाँ पे बेस्ट लगे आपके कवर पेज के हिसाब से, वो आप क्या करेंगे यहाँ पे, उसको सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो इसमें हर किसी का कवर पेज का अपना अपना स्टाइल से, अपने अपने नेम से, यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट टाइटल। अभी डॉक्यूमेंट का कोई ना कोई टाइटल होता है, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉरे, जैसे कि ये बुक नोटबुक है, और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे सब टाइटल नोटबुक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, और ये भी जी हाँ व्यूअर्स। तो ये क्या, नेम, टाइटल और सब टाइटल मैंने यहाँ पे दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे है डेट। अगर आप डेट मेंशन करना चाहें कि ये कौन सी डेट पे आपने कवर पेज बनाया था, या बुक किस डेट को रिलीज हुआ था, तो आप यहाँ पे डेट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डेट लगा दें। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेट 6/3, तो यहाँ पे मैंने डेट लगा दी, और उसके बाद मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये जो होता है ऑथर का नेम होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्या ऑथर। अभी यहाँ पे मेरे अकाउंट, मेरे नाम से जो है ये पीसी में अकाउंट बना हुआ है जिससे मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो आपके पीसी में भी आप सबका अपना अपना नेम आएगा यहाँ पे। और अगर आपकी कोई कंपनी है, कोई भी ऐसा कोई टाइटल है वो आप देना चाह सकें तो आप पे दे सकते हैं। तो ये हो गया एक सिंपली कवर पेज। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैं ये लेता हूँ। तो क्या हुआ, देखें मैंने पहले टाइप किया हुआ था, क्या मैंने यहाँ पे नेम और सब टाइटल और सब टाइटल मैंने टाइप किया हुआ था, वही यहाँ पे रिप्लेस होकर आ गया। ये देखें, मैंने डेट भी लगाई थी, वो भी नेम डेट आ गई। और यहाँ पे अभी एक और चीज़ है एक्स्ट्रा, वो क्या है, कंपनी की एड्रेस। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे चेंज करेंगे, जो भी आप अप्लाई करेंगे वो उसके साथ ही वो अप्लाई होता जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इमेज भी है एक, तो आप यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नॉवेल्स में इमेज वगैरह यूज हुई होती है। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट में कोई भी उसके बारे में, बुक के बारे में हम बताते हैं एब्स्ट्रैक्ट, तो वो भी यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हुए कवर पेजेस। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा कवर पेज, मुझे यहाँ से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे और कोई कवर पेजेस चाहिए बिल्ट इन, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन भी यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। और ये भी आपके पास कुछ ऑप्शन कवर पेजेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये देखें आप ये भी जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये भी आता है रिमूव करंट कवर पेज, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ये इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन हो गए। उसके बाद ये यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, वो है सेव सिलेक्शन टू कवर पेजेस। अगर आप अपना कोई भी कवर पेज बनाना चाहते हैं तो आप अपना भी बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कोई शेप सेट कर लें, आप कोई इमेजेस ऐड कर लें, आप कोई भी नेम सेट कर लें, तो आप सिंपली अपने भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपली टाइप कर, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे नाम लिखा है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऑथर भी डिफाइन करता हूँ यहाँ पे,
तो ये अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे मुझे ये सिर्फ और सिर्फ कवर पेज चाहिए, इसमें क्या है, चले मैं एक शेप भी यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे एक मैं शेप भी यूज़ करता हूँ, ये शेप भी हो गया मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है मुझे कवर पेज बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट में आऊँगा, और उसके बाद क्या करूँगा यहाँ पे, अभी ये हमारा हम जो लास्ट ऑप्शन है वो इनेबल हो गया है, क्या करूँगा, सेव टू सिलेक्शन कवर पेजेस गैलरी। यहाँ पे पूछेगा कि इसका मैं कवर पेज का नाम क्या रखूँ, तो आप यहाँ पे सेम ठीक है इंट्रोडक्शन रहने देता हूँ, जो भी नेम आप लिखना चाहिए आपको इसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, बट ये यहाँ पे ऐसे ही सेटिंग हो तो बेहतर है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दें उसके बारे में, और उसके बाद क्या करें, जस्ट यहाँ पे ओके करें, तो क्या हो गया, ये आपका एक कवर पेज यहाँ पे अपना बना हुआ ऐड हो गया। आप यहाँ पे ये आपका लास्ट में कवर पेज सेव हुआ होगा, क्लियर है। तो ये हो गया आपका कवर पेज। कवर पेज के बाद आप क्या ऑप्शन आता है, ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज क्या है, सपोज करें आपने ये जो है कोई पैराग्राफ जो है वो आपने ऐड किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, पैराग्राफ आपने कोई ऐड किए हुए हैं, आप चाहते हैं कि मैं और भी यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करता हूँ, ये सपोज करें कि आपने कोई बुक टाइप किया हुआ है या कोई नोट्स बनाए हुए, आपका बीच में जो है क्या हुआ, टेक्स्ट आपका मिसिंग हो गया, क्या हो गया, आपका टेक्स्ट मिसिंग हो गया। अब आप चाहते हैं कि मुझे तो दूसरा टेक्स्ट लिखना है, उसके लिए मुझे एक पेज चाहिए, आप ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, जो दूसरा टेक्स्ट है वो नीचे मूव होता जाएगा, मगर आप चाहते हैं कि मुझे ये जो दूसरा टेक्स्ट है के लिए मुझे अलग पहले ही एक पेज चाहिए, ब्लैंक पेज चाहिए बीच में, तो आप यहाँ पे कर्सर रख के आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे बीच में एक क्या मिलेगा, MPT, एक सारा का सारा ब्लैंक पेज आपको यहाँ पे मिलेगा, क्लियर है। अभी आप यहाँ पे इजीली जो है टाइप कर सकते हैं। चलें ये हो गया ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज के बाद आपको आता है ब्रेक पेज। ये पेज ब्रेक जो होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे ब्लैंक पेज में क्या, ब्लैंक पेज आ गया, मगर ब्लैंक ब्रेक पेज क्या करेगा, जहां पे आपका कर्सर होगा वहां से वो उसको ब्रेक कर देगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कर्सर मेरा वहां पे डॉक्यूमेंट पे, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पेज ब्रेक पे। अभी देखें क्या हुआ, न्यू बीच में जो है क्या है, ब्लैंक पेज नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ ये क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है, यहाँ पे ये ब्रेक होकर नीचे यहाँ पे स्टार्ट हो गया। होप कि आपको ये पेजेस कवर कंप्लीट समझ आ गए होंगे ग्रुप। अगर कोई भी कोई सवाल हो कोई भी, तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। चलें उसके बाद मैं आपको बताता हूँ टेबल। तो टेबल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि रो एंड कॉलम्स होते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं कोई भी डेटा हो जिससे हम एक टेबल में समेटें उसमें रखें। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ सारे पेज को, और यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, मैं यहाँ पे करता हूँ टेबल। बाय डिफॉल्ट जो आपको नंबर ऑफ रो एंड कॉलम मिलते हैं वो होते हैं 8 बाय 10 के, यहाँ पे जो रो है होती हैं वो होती हैं 8, और जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 10, यहाँ पे लिखा हुआ होता है 10 बाय 8 ऊपर। तो अगर आपको यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए तो या एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं कॉलम्स, रो भी दो हो सकते हैं, ये आप यहाँ से इजीली जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक और बात आपको बताता चलूँ, अगर आप यहाँ पे कोई भी टेबल यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके पास और जो दो टेब है वो आ जाएंगे, एक का नाम होगा डिज़ाइन, दूसरे का नाम होगा लेआउट। चलें यहाँ पे मैंने भी क्या किया है, मैंने यहाँ पे दो कॉलम्स लिए हैं, एक रो ली है, ये जो होते हैं जो कॉलम्स, ये दो कॉलम्स होते हैं वर्टिकली टॉप टू बॉटम, और लेफ्ट राइट क्या होती है, रो होती है। सपोज करें मैं यहाँ पे टैप करता जा रहा हूँ, क्या करता जा रहा हूँ, टैप, तो ये मेरी इंक्रीमेंट होती जाएगी रोज की। मैं यहाँ पे डिज़ाइन को सिंपलीफाई करता चलूँ, जैसे कि मैं डिज़ाइन पे यहाँ पे कोई भी अप्लाई करता हूँ डिज़ाइन, यहाँ से ये डिज़ाइन के ऑप्शन से आपको जो भी फॉर्मेट में से अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ, ये मैं सिलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ऑप्शंस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस। ये टेबल स्टाइल्स ऑप्शन जो है ये बहुत ही काम के हैं, आप इससे अपने डिज़ाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं। चलें मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, चलें मैं इसको और भी जो कॉलम्स हो वो इंसर्ट करता हूँ, ये ओके, चलिए ठीक है।
अभी मैं यहाँ पे आता हूँ डिजाइन में। डिजाइन में क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ये जो है टॉप रो को सिलेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे मैं अनटिक करता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, जैसे देखेंगे ऊपर वाला जो हेडिंग है, हेडर रो है, वो क्या हो गया, हाइड एंड शो हो रहा है, मतलब उसमें कलर फिल भी हो रहा है और ख़त्म भी हो रहा है। तो ये इसके लिए होता है कि आपको कलर टॉप में हेडिंग में चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हुआ है क्या, फर्स्ट कॉलम, मीन्स आपको ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे आपको कलर चाहिए या नहीं चाहिए। देखें इजी ऑप्शन ये डिजाइन के लिए होता है। चलें यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टोटल रो, जैसे कि हम सम करते हैं तो दो लाइन्स को ड्रा करते हैं, यहाँ पे भी सेम है। देखें चलिए यहाँ पे ये आपको मैं इसको ख़त्म करता हूँ, बेडेड रो को अब यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ये क्या हो गया, आपको डिज़ाइन शो हो रहा है, मैं आपको सिंपली यहाँ पे शो करता हूँ ये क्या होता है, ये टोटल रो। और यहाँ पे एमपीजी करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, कुछ कुछ डिज़ाइन होते हैं जिन पे ये अप्लाई नहीं होता, मैं आपको सिंपल वाले फॉर्मेट में ये आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये सिंपल। और लास्ट में क्या करता हूँ, मैं टोटल रो पे क्लिक करता हूँ, किस पे, टोटल रो पे। चलिए यहाँ पे मैं सिंपल वाला कोई, देखें अभी यहाँ पे जो मैंने स्टाइल अप्लाई किया वहाँ पे क्या शो हो रहा है, ये देख रहे हैं आप दो लाइंस, ये क्या होती है, ये टोटल रो की होती है। यहाँ पे मैं अनटिक करता हूँ तो ये देखें ये गायब हो रही है और शो हो रही है। तो ये होता है हमारा टोटल रो का काम। और उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम आपको बताया मैंने, लास्ट कॉलम क्या होगा, उसमें कलरफुल होगा। अभी कलरफुल करने के लिए यहाँ पे आपको दूसरी टेबल सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि ये लास्ट कॉलम। उसके बाद आपके बाद आता है यहाँ पे बेंडेड कॉलम्स, क्या बेंडेड कॉलम्स, यहाँ पे क्या है, बेंडेड रोज है, एक में कलरफुल हुआ है, एक में ग्रे कलर है, एक में कलर है, ये देखें यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो ये काम यहाँ पे क्या है, देखें बेंडेड रोज जरा रही। अभी मैं कहता हूँ क्या, बेंडेड कॉलम्स, देखें ओ क्या ओ ये समझ आ गया हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ स्टाइल्स को कस्टमाइज करने के लिए होता है। हाँ अगर आप अलबत्ता ये चाहते हैं कि नहीं मुझे सारी की सारी जो है मुझे डिज़ाइन खुद करनी है, मुझे यहाँ से कोई भी ऑप्शन नहीं चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप सिंपली टेबल पर क्लिक करें, और अभी क्या है, अभी आप क्या करेंगे उन सेल्स को सिलेक्ट करके, आप क्या करेंगे सेल को सिलेक्ट कर दें, ये आपको शेडिंग है, शेडिंग मैंने आपको पहले भी समझाया था, तो यहाँ पे आप वो कलर फिल कर देंगे इजीली। ठीक है, तो ये आपके टेबल स्टाइल ऑप्शंस और शेडिंग आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा बॉर्डर्स, जैसे कि मैंने पहले बॉर्डर सीखे थे, एक पेज बॉर्डर और पैराग्राफ बॉर्डर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बॉर्डर्स का काम है, मगर ये जो बॉर्डर्स है वो है टेबल के बॉर्डर्स। अब टेबल के बॉर्डर से जैसे कि आप देख सकते हैं ये नॉर्मली जो है यहाँ पे ऐड हुए हुए हैं, अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें पहले भी हमने बॉर्डर्स वहाँ पे सीखे थे ये सब, मैं अभी यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ, या ये जैसे मैंने सिलेक्ट किया आप ऐसे यहाँ पे आपको पेन आ जाएगी, आप ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे सारे के सारे बॉर्डर्स चाहिए, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर्स, क्या ऑल बॉर्डर्स। अभी देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर जो इस कॉलम में इस सेल में पड़ा हुआ है, मैं अगर सबको अप्लाई करना चाहूँगा क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबको सिलेक्ट करूँगा, क्या करूँगा मैं यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके और करूँगा ऑल बॉर्डर्स, क्लियर है। तो ये बॉर्डर से आप उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप ऐसे ऐसे कलर चेंज करके आपको क्या करना पड़ेगा, सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले ऐसे कर्सर रखें यहाँ पर और उनको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप मेरे यहाँ पे एरो की से इसको सेलेक्ट किया, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स, देखें इसका भी कलर चेंज हो गया। लास्ट में आपका बॉर्डर पेंट, बॉर्डर पेंट जैसे कि मैंने पहले पेन को सेलेक्ट किया था यहाँ पे, तो ये आ रहा था, मैं अभी चेंज करता हूँ इसको, चेंज करने के बाद मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये देखें क्लियर है। तो ये हमारा था डिज़ाइन टेबल में, डिज़ाइन हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा लेआउट, लेआउट बहुत ही सिंपल है और सिर्फ आपको थोड़ी समझने की ज़रूरत होगी, थोड़ी प्रैक्टिस भी ज़रूर हो। तो यहाँ पे हम अभी बात करते हैं लेआउट की, लेआउट बिल्कुल ईजी है। आपका पहले पहले ऑप्शन आता है वो होता है सिलेक्ट का। अब सिलेक्ट में फोर ऑप्शन से है कि सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो एंड सिलेक्ट टेबल। सपोज करें मेरा जहाँ पे कर्सर है, अगर मैं वहाँ पे करूँगा सिलेक्ट सेल,
तो आपका वो सेल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर पड़ा हुआ है वहाँ पे वो कॉलम सारा सिलेक्ट हो जाए तो क्या होगा, सारा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा वो रो जो है सिलेक्ट हो जाए, अभी हमारे सारे कॉलम सिलेक्ट हुए तो क्या होगा, हमारा जो सारा टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मगर मैं यहाँ पे सेल पे सिलेक्ट करता हूँ, अभी मैं कर्सर पड़ा हुआ है और मैं करता हूँ अभी सिलेक्ट रो, तो क्या होगा, ये सारी की सारी रो मेरी सिलेक्ट हो जाएगी। लास्ट में क्या है हमारा सिलेक्ट टेबल, तो आप सारी टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस, क्या व्यू ग्रिड लाइंस, मैं इसको अंडू करता हूँ आपको बताता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे आपको ये लाइंस नजर आ रही हैं, ये अभी ये जो लाइंस है इसको बोलते हैं हमें ग्रिड लाइंस। क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस में होता क्या है कि ये आपको बाउंड्रीज शो करता है कि आपका ये जो कॉलम है यहाँ तक है। ओके अच्छा चलें, तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आपको बाउंड्रीज का मालूम पता चलता है, और आप अगर इसको प्रिंट करेंगे तो आपके ये जो बाउंड्रीज है ये आपको नजर नहीं आती। क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये डिजाइन जो है लेआउट वो नजर आता है, मगर आपको जो ये लाइन्स है जो कॉलम्स की वो आपको नजर बिल्कुल भी नहीं आती। अगर मैं इसको अनटिक करता हूँ, देखें आपका जो ये लाइन्स है वो खत्म हो जाएंगी, देखें टॉप में खत्म हो गए। मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या ये हमें बताएगा कि आपका ये जो कॉलम है यहाँ पे स्टार्ट होता है यहाँ पे खत्म होता है। चलें ये मेरा एक्टिव है अभी, अभी मैं इसको करता हूँ कंट्रोल पी, क्या करता हूँ कंट्रोल पी करता हूँ और इसको प्रिंट करता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या ये जो लाइन है ऊपर वाली वो आपको कॉलम सारी नजर नजर नहीं आएंगी। ठीक है चलिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज आपका है, अगर आपके पास टेक्स्ट भी है और उसके बाद आपके पास टेबल भी है तो आप यहाँ पे या फिर इस्तेमाल करेंगे। मैं करता हूँ क्या, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और उसके बाद टेक्स्ट नीचे लिखें या ऊपर कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट और उसके बाद एंड मैं यहाँ पे फाइल लेता हूँ। फाइल लेने के बाद मैं आपको अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे पैराग्राफ है मेरे पास और ऊपर मेरा टेबल पड़ा हुआ है, मगर मैं इस टेबल को क्या करता हूँ, इस टेबल को मैं कम करता हूँ जैसे कि आपको वो ऑप्शन जो है समझ में आए। यहाँ पे मैं कहता हूँ डिलीट कॉलम्स। अभी देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, एक टेबल पड़ा हुआ है, उसके साथ साथ क्या है मेरा डेटा भी पड़ा हुआ है। अभी क्या चाहता हूँ मैं, ये जो टेबल है वो क्या आ जाए यहाँ पे सेंटर पे आ जाए, क्या आ जाए टेबल कहाँ पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लेआउट में आके प्रॉपर्टी इसको करूँगा क्या, सेंटर पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो क्या होगा देखिए अभी ये टेबल जो हमारी सेंटर पे आ गई। क्लियर है, तो ये आपका टेबल जो है वो कवर हो गया। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ अबाउट ड्रा टेबल। अभी ये जो ड्रा टेबल है वो इस तरह से काम करती है जैसे कि हम कोई पेन से कोई टेबल बनाते हैं, मैं इसको क्लिक करता हूँ या बॉक्सेस ऐसे बनाते जाएंगे, ये देखें ठीक है, ये मोस्टली हमारा इस्तेमाल होता है यहाँ पे, जैसे मार्जिन में हमारा टेबल चाहिए या किसी भी जगह पे आपको एक बॉक्स चाहिए या बहुत सारे तो आप ऐड कर सकते हैं, मगर इतना काम नहीं आता, ये कभी कभी काम आ जाते हैं, मगर ये मोस्टली जो ये वो हमारा वो जो है सिलेक्शन वाला ही टेबल काम आता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी जो है टेबल को भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसके टेबल का कलर बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ जो हमारा कलर था ब्लैक, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ नॉर्मल। ठीक है, अभी ये मेरा ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसको अंडू करता हूँ, अंडू करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं आपको बता दूँ लेआउट में यहाँ पे हमारा ऑप्शन है एरेज, क्या है इरेजर। अभी जो मैंने बॉर्डर्स लगाए थे, क्या बॉर्डर्स लगाए थे उसको ये इरेज करता है, किसको इरेज करता है बॉर्डर्स को, देखें इरेज कर रहा है। अगर आपको इसे समझ नहीं आ रहा आपको तो मैं ऐसे करता हूँ अंडू करते, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बॉर्डर्स को अप्लाई कर रहा हूँ, ऑल बॉर्डर्स चाहिए मुझे, चाहिए ऑल बॉर्डर्स चाहिए मुझे, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद क्या ऑल बॉर्डर्स, ठीक है ऑल बॉर्डर आ गए। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, क्या करूँगा इरेजर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं बॉर्डर्स को रिमूव करता जाऊँगा। क्लियर है, चलें ये भी हो गया। उसके बाद आता है डिलीट।
अब डिलीट तो आपको पता है, कोई भी चीज़ हमें जब मिटानी होती है तो हम डिलीट करते हैं। अगर आपको यहाँ पे अगर सेल को डिलीट करना है तो आप सेल को डिलीट करेंगे, क्या वो करेंगे, डिलीट सेल, तो सेल आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप रो कॉलम को डिलीट करें तो आप कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मुझे रो डिलीट करनी है तो रो भी डिलीट कर सकते हैं, मगर ये बात जहन में हो, हमेशा उस पर आप कर्सर रखेंगे। और अगर आपको टेबल डिलीट करनी है तो आप डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे। क्लियर है? मैं यहाँ पे अंडू करता हूँ, और अंडू करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपको लेआउट में इंसर्ट है, यहाँ पे इंसर्ट का काम क्या है। अगर आप यहाँ पे कोई आपको कॉलम चाहिए या रो चाहिए तो आप ऐसे भी इजी काम कर सकते हैं। मुझे इंसर्ट क्या चाहिए, अब वो चाहिए, अब वो क्या होता है, रो है ये, तो मैं रो भी इंसर्ट कर सकता हूँ। ये देखिए इंसर्ट हो रही है। अगर मुझे क्या बिलो में चाहिए तो मैं यहाँ पे बिलो में भी रो को ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कॉलम चाहिए लेफ्ट को, तो लेफ्ट को कॉलम ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे राइट को चाहिए तो मैं राइट को भी यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकता हूँ। तो ये डिलीट के लिए और ये ऐड के लिए, रो एंड कॉलम्स। उसके बाद आता है हमारा मर्ज। ये देखिए अभी यहाँ पे डिसेबल है। सपोज करें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं देखें अभी यहाँ मैंने क्या कुछ टाइप किया है। अभी मेरा जैसे ही नेम्स यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो कॉलम है वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो नीचे आ गया। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे यहाँ पे ऊपर ये चाहिए, तो अभी ये भी एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, ये भी कॉलम है, तो मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे करूँगा। अभी ये देखिए ऑप्शन इनेबल हो गया, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या हो गया, ये यहाँ पे सारे जो सेल थे मिलकर एक हो गए। अभी अभी यहाँ पे कितने सेल है, अभी यहाँ पे ऊपर जो डिफरेंट कॉलम्स थे वो अभी एक कॉलम में कन्वर्ट हो गए। तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल ई सेंटर के लिए। क्लियर है ये? तो आप सेल्स को मर्ज कर सकते हैं आपस में। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे सीन ऐसी नंबर होता है, उसमें हमारे डिजिट्स कितने होते हैं, उसमें हमारे डिजिट्स होते हैं 13। तो उसके लिए आपको बॉक्स भी उतने चाहिए, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 11 का, तो आपको उसमें 11 नंबर बॉक्सेस चाहिए, तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा कर्सर रखा हुआ है, मैं करता हूँ क्या, स्प्लिट सेल। इस सेल को मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है बॉक्सेस में। तो यहाँ पे आपको रो भी आप ऐड कर सकते हैं और कॉलम्स भी, मगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स को करूँगा ऐड। कितने चाहिए मुझे यहाँ पे, मैं करता हूँ 13 सीएनआईसी के लिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जस्ट ओके। देखिए यहाँ पे आपके ये बॉक्सेस है, कितने आ गए, 11 बॉक्सेस आ गए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे कितने चाहिए, 11 चाहिए, तो आप यहाँ 11 लिखकर आप क्या करें, जस्ट ओके करेंगे। क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे दो कॉलम्स चाहिए और दो रो चाहिए, तो आप स्प्लिट करें और यहाँ पे इस रो को करें, और दो कॉलम एंड दो रो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। होप कि आपको ये समझ आया होगा। और उसके बाद आपका है स्प्लिट टेबल। अगर आपके पास कोई टेबल है और आप उसको स्प्लिट करना चाहते हैं, उसको अलग करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ अभी यहाँ पे मुझे ये ब्रेक करनी है, तो क्या आप करेंगे, ऐसे आप उसको ब्रेक करते जाएंगे। मैं यहाँ पे क्लिक किया स्प्लिट टेबल, यहाँ पे क्लिक किया और स्प्लिट टेबल, देखें ये टेबल स्प्लिट होता जा रहा है। मैं आपको आपको ये समझाने के लिए तो यहाँ फिर उसी टेबल लेता हूँ। टेबल लेने के बाद मैं आपको ये देखिए मर्ज सेल को आपको मैंने बताया, उसके बाद आपको बताता हूँ स्प्लिट सेल। जैसे कि मैं यहाँ पे ये डिलीट करता हूँ, और उसके बाद मैं दो ही कॉलम्स रखता हूँ यहाँ पे। दो कॉलम रखने के बाद अगर आपको ये चाहते हैं कि मुझे इसमें बॉक्स चाहिए, क्या चाहिए, इसमें बॉक्सेस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आप करेंगे स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल पे क्लिक करके आप करेंगे क्या, यहाँ पे वो नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे 15, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखिए कितने बॉक्सेस आ गए मुझे, 15 यहाँ पे बॉक्सेस आ गए। अगर आपको इसमें 11 चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 11 टाइप करेंगे।
क्लियर है। तो आप यूं बॉक्सेस भी बना सकते हैं अपने टेबल में। चलें उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल किस तरह काम करते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे टेबल है और आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो आप इस इजीली वहाँ पे कर्सर रख के क्या करेंगे, आप यहाँ पे ब्रेक करेंगे। देखिए ये टेबल जो है ब्रेक हो रही है। चलें उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन एक ऑटो फिट। अब ऑटो फिट क्या है, सपोज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ और यहाँ पे एफ नेम और यहाँ पे फर्स्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। अभी यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये जो स्पेस है मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो फिट हो जाए, क्या हो जाए, ऑटो फिट हो जाए। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे ऑटो फिट क्लिक करूँगा, ऑटो फिट कंटेंट। क्या हो गया, जो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस है वो हमारा रिमूव हो गया। अभी यहाँ पे एक और चीज़ भी है, देखिए यहाँ पे और भी स्पेस है, वो क्यों है, इन बॉक्सेस की वजह से, इनके वजह से, इन बॉक्सेस की वजह के, क्योंकि इनको भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए। मैं इनको क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, जैसे कि आपको समझ में आया, डिलीट रो करता हूँ। देखिए अभी ये ऑटो फिट कंटेंट अभी अप्लाई हो गया है, तो इसका काम ये, जितना आपका डेटा होगा उतने को ये क्या करेगा, उतना स्पेस यहाँ पे रिजर्व करेगा। उसके बाद ये आपकी उस कॉलम की हाइट एंड विड्थ है, आप यहाँ पे हाइट बढ़ा सकते हैं इसकी और विड्थ भी बढ़ा सकते हैं जहाँ पे आपका कर्सर होगा। उसके बाद आपका होता है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स हमने पहले पढ़े थे वो पेज के और ये टेबल के अलाइनमेंट्स है। यहाँ पे जो अलाइनमेंट होते हैं वो है ऐसे 9 अलाइनमेंट्स होते हैं यहाँ पे, टॉप मिडिल बॉटम। जैसे कि मैं यहाँ पे सेंटर रखूँगा तो क्या होगा, सेंटर पे और ये राइट ही, ये राइट मिडिल, राइट बॉटम, ये सेंटर बॉटम, ये मिडिल बॉटम, सॉरी ये मिडिल सेंटर और ये मिडिल लेफ्ट और ये बॉटम लेफ्ट। तो ये हमारे 9 अलाइनमेंट्स होते हैं हमारे टेबल के। आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं इसका, देखें इजीली। और उसके बाद हमारा जो है सेल मार्जिन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखें ऊपर से भी स्पेस है, लेफ्ट से भी यहाँ पे इस बॉक्स में स्पेस। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये स्पेस नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे सेल मार्जिन पर क्लिक करेंगे और देखें ये राइट और लेफ्ट से आप इसको 0-0 कर दें। आप बढ़ा भी सकते हैं, आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद ओके करें, देखें अभी यहाँ पे जो स्पेस है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है 0.8 होता है यहाँ पे स्पेस टेबल में। उसके बाद मैंने आपको पहले भी सॉर्ट बताया था, यहाँ पे भी आपको सॉर्ट बता रहा हूँ, जैसे कि आप यूज़ करते हैं A to Z, Z to A, आप वैसे ही आप यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं टेबल में भी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के ऑर्डर के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी होम टैब में कि असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में। अभी मैं यहाँ पे ये सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ टेबल में, कोई नेम्स लिख रहा हूँ मैं, और उसके बाद तो मैंने ये कुछ नेम्स टाइप किए हैं यहाँ पे। अब मैं इनको क्या असेंडिंग ऑर्डर करना चाहता हूँ तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद सॉर्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे सेम असेंडिंग ऑप्शन मेरा क्लिक हुआ है, उसके बाद क्या करूँगा मैं इसको ओके करूँगा। देखें ये जो मेरा ऑर्डर है वो असेंडिंग में आ गया A to Z। अगर मैं इनको सिलेक्ट करके डिसेंडिंग में करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे डिसेंडिंग को सिलेक्ट करके और उसको करूँगा ओके। ये बिल्कुल ईजी है, मैं हमने पहले भी आपको बताया था वैसे ही इसका काम है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताया चलूँ कि यहाँ पे एक ऑप्शन है रिपीटेड रोज। मैं यहाँ पे अगेन टेबल को इंसर्ट करता हूँ,
अभी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है रिपीट हेडर रोज। रिपीट हेडर रोज, रिपीट हेडर रोज का काम क्या होता है कि आप यहाँ पे देखें, मैंने टेबल्स को ऐड करते जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे एज पे एक पेपर से ये ज्यादा टेबल हो गई, कितने पेजेस हो गए यहाँ पे, पेजेस हो गए 3 पेजेस हो गए। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं टॉप में जो है यहाँ पे ये जो हेडर का नेम है, यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नेम, एफ नेम, और उसके बाद तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एक हेडर को ऐड किया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे नीचे वो डिटेल सेम होगी सबकी, ऊपर वाला जो हेडर होगा मैं चाहता हूँ कि वो जो है ना रिपीट हो, हर एक पेपर पे जो ये फर्स्ट वाली लाइन है वो रिपीट हो। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे जो ये देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है, फर्स्ट हेडर हो, अगेन यहाँ पर मुझे वरना टाइप करना पड़ेगा। ये इसलिए यूज होता है रिपीट हेडर रो कि आपको बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, रिपीट हेडर रो पर क्लिक करूँगा। अभी क्या होगा, ये मेरा फर्स्ट पेज, उसके बाद ये मेरा सेकंड पेज, और उसके बाद ये मेरा थर्ड पेज। अब आपके पास जितने भी पेपर्स होंगे, पेजेस होंगे, उस पर ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऐड होता जाएगा फर्स्ट हेडर रो। मैं यहाँ पे टाइप करता जा रहा हूँ, टाइप करने के बाद मैं आपको ये देखें दूसरे पेपर पेज पे हम चले गए, यहाँ पे भी हमें ये हेडर ऑटोमेटिकली एक्टिव हुआ नज़र आ रहा है सिंपली। उसके बाद आपके पास आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या होता है, सब कभी कभी आप ऐसा होता है कि आप इंटरनेट से कोई भी डेटा कॉपी करते हैं या किसी डेटा टेबल वाले डेटा को कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट में, तो वैसे उनको सिलेक्ट करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सम टाइम हमारी जो टेबल है वो रिमूव नहीं होती, या फिर हम क्या करते हैं एक एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। मगर यहाँ पे ये आपको इजी टू कन्वर्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप इजी टू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या, टेक्स्ट टेबल टू टेक्स्ट। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद करता हूँ क्या, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये मुझे पूछ रहा है कि मैं कन्वर्ट तो करूँ, जो वर्ड्स हैं उसके बीच में क्या क्या ऐड करूं। देखिए अभी नेम्स अलग है, और उसके बाद एफ नेम अलग है, कास्ट अलग है, ये हमारे 5 कॉलम्स है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या कर दो, टैब प्रेस कर दो, क्या बीच में क्या हो, टैब का स्पेस हो। आ गया ये देखें, मैं अंडू करता हूँ अगेन। उसके बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके मैं कहता हूँ ठीक है कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, क्या हो पैराग्राफ मार्क हो, क्या हो पैराग्राफ मार्क हो, 1 2 3। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टॉप हेडर को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अभी करता हूँ कि मुझे उसकी जगह पे क्या चाहिए, वो सिलेक्ट करके मैं कहता हूँ कि मुझे कॉमास चाहिए, क्या चाहिए कॉमास चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे मुझे वहाँ पे कॉमास मिल जाएंगे। तो ये हमारा था डेटा, और लास्ट में हमारा फार्मूला। फार्मूला में क्या होता है, यहाँ पे कुछ फार्मूला होते हैं जो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो फार्मूला यहाँ पे आप नंबर वगैरह ऐड करते हैं, और यहाँ पे वो फॉर्मेट जो आपको चाहिए नंबर फॉर्मेट, और उसके बाद यहाँ पे होता है फंक्शन कि आपको फंक्शन कौन सा ऐड करना है। ये कुछ फंक्शन है जो आप यहाँ पे भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मगर ये मैं आपको समझाऊंगा किसमें, एक्सेल जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे आपको इजीली समझाऊंगा, क्योंकि ये वहाँ का ही टॉपिक है। तो ये थी हमारी इंसर्ट में टेबल, जो मैंने आपको आज ऑप्शन समझाए, डिज़ाइन एंड लेआउट, और उसके बाद टेबल। अच्छा यहाँ पे टेबल में हमने ये ऑप्शन यूज़ किया था, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हमें 10 बाय 8 का टेबल नहीं चाहिए, हमें इससे ज़्यादा टेबल चाहिए 10 बाय 8 से भी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आपको कितने चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स, मुझे चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स 20, और मुझे जो रो है वो चाहिए 200। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओके जस्ट ओके करूँगा, तो मुझे ये
देखिए मेरे 100 200 रोज आ गई और 20 कॉलम्स यहाँ पे आ गए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है और उसमें आपको ड्रा टेबल, मैंने आपको समझाया था कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल। अभी ये यहाँ पे अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, क्या है आपके पास अगर कोई टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेम वो टेक्स्ट लिखता हूँ मैं, वो था कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब ये है टेक्स्ट टेबल, अगर आप इसको टेबल में ऐड करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं कन्वर्ट टेबल। ये आपसे पूछ रहा है कि मैं कितने कॉलम्स बनाऊं, आप इसको बता दें जितने आपको कॉलम्स बनाने हैं या फिर ऐसे ओके कर दें तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा फिक्स हो जाएगा। देखें बीच बीच में स्पेस, अगर आपको बीच में स्पेस नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप करेंगे क्या, इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट करने के बाद टेबल में कन्वर्ट टेक्स्ट, सॉरी कन्वर्ट टू टेबल, क्या करेंगे कन्वर्ट टू टेबल करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट टू टेबल, और उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे 5 कॉलम्स, उसके बाद करेंगे जस्ट ओके। क्लियर है? तो यहाँ पे आप आके टेबल कन्वर्ट टू टेबल ओके तो ये हो गया ऑप्शन। और उसके बाद आपके पास है टेबल में एक्सेल स्प्रेडशीट, अगर आपको यहाँ पे कोई एक्सेल की शीट चाहिए जिसमें आप फार्मूला वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। आपको इजीली यहाँ पे एक शीट मिलती है जिसमें आप एक्सेल का भी काम कर सकते हैं। और लास्ट में आपके पास है यहाँ पे क्विक टेबल्स, क्विक टेबल्स में क्या होता है यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं जिसको आप इजीली एडिट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि मैंने, अगर आपको ये पसंद है कैलेंडर या आपको कोई और टेबल चाहिए बिल्टन तो आप यहाँ से ले सकते हैं और उसकी डेटा जो है वो रिमूव करके आप अपनी जो डेटा है वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, देखें अभी मेरे पास डेटा जो है टेबल का वो डिलीट हो गया। आपके पास टेबल है, अभी आप अपने हिसाब से अपनी डेटा यहाँ पे दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट इलस्ट्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशंस जिसमें पिक्चर्स वगैरह हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।